अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवाहर रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमद सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। शर्फ़े कमर, दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल, हमारा एक मकबूल आम सिलसिला। जैसे कि आपका मेरा तारुफ़ एक एस्ट्रोलॉजर का, एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट का, एक जन थेरापिस्ट का, तो हर महीने होने वाले इस इवेंट पे, शर्फ़े कमर पे, यानी कि आपको जो है एक वीडियो दी जाती है, जो कि हमारा बड़ा मकबूल सिलसिला हुआ। चूँकि ये ख़ास वक़्त है, कमर चूँकि एक सरीउल सैर जो है वो सियारा है, तो इसकी जो मोस्टली आमाल जो अमलियात करने वाले हैं, आमिल हजरात हैं या जो पढ़ने पढ़ाने के शौकीन हैं, वो कमर को पेश नज़र रख के करते हैं, चूँकि ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो अपने रिज़ल्ट दे देता है। दो सवा दो घंटे में ये एक दर्जे से गुजर जाता है, और ये वही टाइम है जबकि ये बुध सौर के तीसरे दर्जे पे एन अपने शर्फी दर्जात से गुज़रता है। ये बड़ा अहमियत का हामिल वक़्त होता है, और मून को अगर आप समझें तो हमारी इस्लामी जो हिस्ट्री है उसमें एक ख़ास अहमियत हामिल है। तो इस वक्त को जो है वो बेहतरीन यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया कि आपको हर महीने एक जो है वीडियो इसके ऊपर दे देता था। पहले मैं इमाम जंतरी में लिखता था, तो हमें मौका मिलता था कोई एक आर्टिकल लिख दें, उसमें दो अमाल दे दें, तीन अमाल दे दें, बट अब आपके लिए हर महीने जो है कुछ अमाल जो है वो दिए जाते हैं। आज की जो वीडियो है ये एग्जैक्टली मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम जो है वो कर रहा हूँ, और ये खानवादा मोहम्मद व आले मोहम्मद के छठे इमाम हैं, छठे चराग हैं, और चराग हिदायत चूँकि मेन इसका जो मंबा है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। सो आज उसके हवाले से भी एक दुआ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो हैं ये रिवायत कर रहे हैं सरकार दो आलम से, और एक हज़रत अलैहिस्सलाम की दुआ जो है वो आपकी गोशगुज़ार करूँगा। चूँकि आज का जो शर्फ़ कमर है जो कि मेरे सामने आ रहा है, ये यहाँ पे मून जो है वो शर्फ़ में है, लेकिन जायचे के आठवें घर में चला गया। एग्जैक्टली आठवां घर जो है ये हादसात का है, सडन प्रॉब्लम्स का है। यहाँ पे शर्फ़ हुआ है, तो मैंने सोच जो मेरे जहन में आई वो ये कि मैं आज दूँ ही जो है वो इस हवाले से जिसमें आपकी सेहतियाबी के लिए, और जो इमराज से निजात चाहते हैं उनके लिए कोई ख़ास दुआ दी है, और इसी तरह एक दुआ आपकी कोई भी हाजत हो उसके लिए आप जो है वो मांग सकेंगे। ये मैंने आज का जो है वो सिलेक्ट किया। इससे पहले कि मैं आपको इसकी टाइमिंग बताऊं, अमाल बताऊं, छोटी सी दो चीज़ें सिर्फ आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में एक बुक है जो बहुत अरसा पहले मेरी नज़र से गुजरी और मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। इसका नाम है सुपरमैन इन इस्लाम। इसमें 25 मुहक्किकीन ने जो है वो इस पर तहकीक की, और फिर ये किस तवार जो है ये इंग्लैंड में जो है वो शाया हुआ एक रसाले में, जैसे हमारे जहाँ ख्वाजगान आता था या संडे मैगज़ीन आता, इसी तरह उनके मैगज़ीन में ये जो बुक्स के पार्ट हैं उसको बाद में जिसको कंपाइल करके बुक की शक्ल में दिया गया, इसको जो है वो किया गया। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि 25 के 25 मुहक्किकीन जो हैं वो गैर मुस्लिम थे, कुछ लोग ये कहना है कि 23 जो थे वो गैर मुस्लिम थे और दो मुस्लिम थे, मगर अहले तशी में से इसमें से कोई भी नहीं था इन मुहक्किकीन में से। इसका मकसद बताने का ये है कि ऐसा नहीं कि किसी ने सिर्फ तौसीफ कर दी हो। तो उन्होंने जो इसके ऊपर तहकीक की और उसको कंपाइल किया, तो उसका बुक का नाम रखा सुपरमैन इन इस्लाम, यानी इस्लाम में ये शख्सियत जो है वो सुपरमैन है। ज़हन में रखिएगा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जिनकी से मंसूब है फ़िका जाफरिया, बुनियादी तौर पे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ये मंसूब करते हैं, लेकिन जो इसकी असास है वो सरकारे दो आलम है। सरकारे दो आलम से जो चीज़ें आगे आईं वही चलते 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 इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो है उनको तरवीज फरमाई। चूँकि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में अगर आप देखें तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनको सबसे ज़्यादा टाइम मिला अपनी ज़ाहरी जो दुनिया में उनकी हयात है उसमें के वो तरवीज इस्लाम कर सकें। मोहम्मद वाले मोहम्मद की जितने ज़्यादा हमें मैसेजेस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मिलते हैं उतने किसी से इमाम से भी जो है वो हमें नहीं मिल पाते। तो एक चीज़, दूसरा मैंने कल परसों एक स्टेटस लगाया था कि 4000 किताबों का मुसन्निफ़ जिसको कि दुनिया जो है वो जाबिर बिन हय्यान के नाम से जानती है, आप अगर ऑक्सफोर्ड में चले जाएं तो वहाँ पे भी जो है वो जाबिर बिन हय्यान के जो बनाए हुए कवानीन हैं, जो असूल हैं, वो आज भी पढ़ाए जा रहे हैं।
और 1000 साइंसदानों के उस्ताद जो थे ये जाबिर बिन हय्यान, ये भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में शुमार होते थे। अब आप इस यहाँ से ये इमेजिन कर सकते हैं कि जाबिर बिन हय्यान अगर ये थे तो उनके उस्ताद मोहतरम किस पाए के थे। और वो जो मैंने आपको बुक का हवाला दिया सुपरमैन इस्लाम, उसमें उन मुहक्किकीन ने ये इतराफ़ किया है कि एक ही वक्त में 500 अलूम जो है वो सिखाने वाले वाहिद जो हस्ती है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। अगर आपको समझ आए तो ये बात है बाबुल इल्म की, और फिर बात है मदीनतुल इल्म की। हज़रत अली का एक फरमान है कि अना बाबुल इल्म व सरकार दो आलम के बारे में कि ये मदीनतुल इल्म है, उनके इसके अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबू। तो आगे जो सिलसिला ये बाबुल इल्म की बात है, मदीनतुल इल्म सरकार दो आलम की ज़ात, उसको तो कोई हो ही नहीं सकता कि कोई उनको छू भी सके और उनके इल्म का अहाता कर सके। सवाल ही पैदा नहीं होता सवाए मोहम्मद व आले मोहम्मद के, जहाँ पे आपको थोड़ी सी तशहीर मिलती है। तो 500 लूम की बात है, तो आज मैं उनकी निस्बत से जो बताई हुई चीज़ें हैं वो आपके गोशगुजार जो है वो करूँगा। सो इस वक्त का जो बेहतरीन टाइम है, इसका आगाज़ 27 मई ब्रोज जुमातुल मुबारक दोपहर 3:15 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पर जो है इसका आगाज़ हो जाएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 27 मई ब्रोज जुमातुल मुबारक दोपहर 3:15 पर, और इसका अख्तिताम इसी दिन जो है 2 घंटे और तकरीब 2 घंटे में भी बल्कि 1:56 का, 2 घंटे नहीं बनते मुकम्मल, 1:56 का टाइम बनेगा। 5:11 पे इस टाइम का जो है इख्तिताम हो जाएगा। सेम डेट है, सेम सब कुछ है, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। हमारे वो कायरीन नाजरीन जो हमारे मुझे फॉलो करने वाले हैं जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, मैं आपको कहूँगा, मैंने पिछली बार भी कुलिया कहा था, आज भी कहता हूँ, सिर्फ आप ये देख लें कि पाकिस्तान टाइम जो है, डेफिनेटली आप पाकिस्तान में कॉल करते हैं, आप उनसे टाइम पूछ सकते हैं, टाइम डिफरेंस आपके सामने आ जाता है, उसी वक्त ही आ जाता है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान में 3:15 जो है 27 मई को दोपहर कितने बजे आपके पास हो रहे हैं, वही आपका टाइम है, और यही आपका उसमें 1:56 प्लस कर लें तो ये आपका इख्तिताम का टाइम है। अब उसके बाद मैंने कई बार इस बात का अहाता किया कि आदाब अमल भी कुछ होते हैं, पाक साफ हालत में कोशिश कीजिए, गुसल कीजिए, सफ़ेद लिबास ज़ेब-ए-तन कीजिए, पास खुशबू कोई जो है उसको रोशन कीजिए, यानी अगरबत्ती जला लें, या आप कोई इतर वगैरह नॉन अल्कोहल कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी सफ़ेद चीज़ पे जो है आप न्याज वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद की और उनके बारगाह में पेश कीजिए, और उनसे दुआ कीजिए कि परवरदिगार से दुआ कीजिए कि इनके तवसल से जो है वो आपकी हजात को इजाबत जो है वो मिले। मैंने मोस्टली कहा इसमें सफ़ेद कलर का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कमर का कलर भी है और अदद दो भी है, बहुत कुछ है इसके पीछे, बहुत सारी लॉजिक्स हैं। सफ़ेद तस्बीह अगर आप इस्तेमाल कर लें बहुत अच्छी है, आपको हमारे प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएगी, आप कहीं से भी सफ़ेद तस्बीह अपने घर में कोई भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि सफ़ेद लिबास ज़ेब-ए-तन करें, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है। अक्सर ख़वातीन और हज़रात ये सवाल करते हैं, अच्छा जी अगर हमारे पास ये ना हो तो वाली कोई बात नहीं, मजबूरी नहीं है आपके लिए। तो सबसे पहले जो है वो दुआए शिफा है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि जिसको कोई बीमारी लाग हो तो वो ये दुआ जो है नमाज फजर के बाद 41 मरतबा ये पढ़ना शुरू कर दे तो परवरदिगार जो है वो उसको उन बीमारियों से निजात देगा। आज अरबी तो आपके पास यहाँ पर आ रही है, मैं आज जानबूझ के आपको इसकी ट्रांसलेट बता रहा हूँ कि इसका तर्जमा क्या है। कि मैं अक्सर कहता हूं जो मेरे पास आते हैं उन लोगों को भी और अपने नाज़रीन को भी कि सबसे पहले फ़ोकस कीजिए ट्रांसलेट पे, सिर्फ अरबी पढ़ना कोई काम नहीं है, आपको पता हो आप क्या कह रहे हैं, आप किसको कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं, ये सबसे जो है वो अहम चीज़ है। तो इसका तर्जमा यह है कि अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है वो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो जहानों का रब है हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज़ है, बाबरकत है अल्लाह जो सबसे अच्छा खालिक है, असनुल खालिकीन का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये भी एक इशारा है, और वो नहीं कोई हरकत व कुव्वत अल्लाह मासवाए अल्लाह के जो बुलंद मर्तबा और साहिब अजमत है।
ये परवरदिगार की वाज़े वहदानियत का इकरार हो रहा है और आप अपने आप को अपने परवरदिगार के आगे सरेंडर करने वाली बात है। सो ये दुआ जो है 41 मरतबा पढ़ लीजिए, उसके बाद रोज़ाना भी आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें मज़ाक वाली बात नहीं है। दूसरी दुआ दुआए शिफा के नाम से ही है और ये जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चाहूँ, स्पेशली फ़िका जाफ़रिया वाले जी कहते हैं कि जितने भी आले मोहम्मद के सिलसिले के मासूमीन गुजरे हैं, एक ने कहा मुझे मेरी जद ने बताया और सिलसिला आखिरकार जाके सरकार दो आलम पे जाके मुंतहा इसकी होती है, इसकी इंतहा वहीं पे है। जो कुछ यहाँ से आपको मिलेगा वो सरकार दो आलम का तालीम करदा होगा, इसको ज़हन में रखिएगा। अब आप अगर देखें तो सरकार दो आलम जब ज़ारी हिस्ट्री अगर आप पढ़े तो जनाब बहुत छोटे थे उस वक्त बज़ाहिर, तो जितनी भी तरबियत हुई है वो सरकार दो आलम के हाथों में हुई है। सो इसमें तो कोई शुबे वाली बात ही नहीं रह जाती कि यहाँ से जो चीज़ें डिलीवर होंगी वो उनकी कदर व मंजिलत क्या होगी। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दुआ को रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ा करें तो इंशाल्लाह कभी बीमार ना होंगे, और अगर कोई बीमार है तो ऐसे फ़र्द को इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। और मैं आपसे कहूँगा कि इसको 30 मरतबा पढ़ लें इस दौरानिए में तो भी आपके लिए अच्छी। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों पढ़ें, आप कोई भी एक पढ़ सकते हैं, बात एक ही है। इसके लिए भी जो है आपका जो मेरे पास यहाँ पे ऊपर जो मैं अरबी दूंगा और जो इसके ग्राफिक्स हैं वो आपको मिल लेंगे, इसकी ट्रांसलेट भी आपको जो है वो उसी में मैं दे दूंगा। तीसरा अमल जो है वो हर मकसद में कामयाबी के लिए दुआ है। आपका मकसद कोई भी हो, किसी भी हाजत को अपने जहन में रखें और ये दुआ आप जो कह दें। इस दुआ के जो रावी हैं वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हैं। वंस अगेन, चूँकि मैंने कहा था कि आज की जो ये वीडियो है ये मासूम के नाम से जो है मंसूब करो, मतलब फरमाते हैं कि जो कोई इस दुआ को पढ़ेगा तो उसकी तमाम हाजात पूरी होंगी, आफात अर्जी व समावी से महफूज रहेगा और हर काम में कामयाब होगा। इसका जो तर्जमा है वह है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ हर खैर का जिसको तेरा इल्म मुहित है, यानी जो भी खैर तेरे इल्म में जो है मैं उसके जो है तुझसे सवाल करता हूँ, और हर शर से तेरी पनाह मांगता हूँ कि जिसको तेरा इल्म मुहित है, जो भी शर है जिस किस्म का भी है, वर्जी समावी दुनिया किसी भी किस्म का, शैतानियत है या हसद है बुगत है, हर चीज़ इसमें आ जाती है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मेरे तमाम अमूर में आफ़ियत अता फरमा, और दुनिया व आखरत के अजाब की रसवाई की तुझसे पनाह चाहता हूँ। अगर आप गौर करें तो इसमें हर चीज़ का अहाता हो जाता है, इंसान के पैदा होने से रोज़े माशर तक के लिए जो चीज़ें हैं उसका अहाता यहाँ पे जो है वो हो जाता है। मैं यहाँ पे खसूसी तौर पे एक इल्तिजा करूँगा कि उन लोगों के लिए, उन लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें जिन्होंने ये दुआओं को कंपाइल किया, जिन्होंने इस पर तहकीक की और ये दुआएं आप तक पहुंचाने में मदद की। इससे मुस्तफ़ीद होइएगा तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। वीडियो को हर बार मैं कहता हूं कि अगर आपको लगे कि ये वर्थेबल है, ये ऐसी चीज़ है जो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ, किसी ज़रूरतमंद के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो ज़रूर किया करें। यकीनन परवरदिगार से आप इसका अजर अजीम हासिल करेंगे और इससे मुस्तफ़ीद हों तो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मीडिया टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, ये समझ लीजिए कि एक किस्म की हौसला अफज़ाई होती है। जहाँ चाहूँगा अल्लाह हाफिज़।